अगर आप उन लोगों में से हैं जो ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं और अचानक आपको लगता है कि कुर्सी से गिरने वाले हैं, तो 5 मिनट रुकिए। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो गाड़ी, खासकर 2-व्हीलर चलाते हैं और जैसे ही गाड़ी रेड सिग्नल पर रोकते हैं तो आपको लगता है कि आप लड़खड़ाकर गिरने वाले हैं, तो आप भी 5 मिनट तक रुकिए। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ये लगता है कि आप तो रुके हुए हैं लेकिन दुनिया गोल गोल घूम रही है, तो आप 5 मिनट ज़रूर रुकिए, क्योंकि अगले 5 मिनटों में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो नॉर्मली आपको कोई नहीं बताएगा। तो वर्टिगो या डिजीनेस या लाइट हेडेडनेस, एक कॉमन वर्ड कहूँ तो चक्कर आना, आज बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम बन चुका है। आज ज़्यादातर लोग, नो मैटर दे आर यंगर और ओल्डर, शिकायत करते मिल जाएंगे कि मुझे हमेशा चक्कर आते रहते हैं। कोई कहता है सुबह के समय, कोई रात के समय, कोई खाना खाने के बाद, तो कोई सीढ़ियाँ चढ़ते और उतरते समय चक्कर आने की प्रॉब्लम की शिकायत करता है। अब तो बच्चों में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रिपोर्ट की जाने लगी है। इसके बाद बात आती है आपके चक्करों के कारण और इलाज की। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इसके बाद मेडिकल टेस्टिंग, डायग्नोसिस, पैथोलॉजी, मेडिसिंस और प्रिकॉशंस की पूरी सीरीज चालू होती है। नॉर्मली सबसे पहले बीपी चेक किया जाता है, फिर हार्ट की फंक्शनिंग देखी जाती है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, शुगर टेस्ट किया जाता है, मैनिया डिसीज को चेक किया जाता है। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि आपके शरीर में किसी तरह की कमजोरी तो नहीं है, और एक्सट्रीम कंडीशन में CT स्कैन, MRI स्कैन और बात ब्रेन मैपिंग तक भी पहुंच जाती है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सभी जांचें फालतू हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सभी की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन सही जगह पर। लेकिन जब आप पूरी तरह हेल्दी हैं, आपका BP नॉर्मल है, दिमाग भी पूरी तरह ठीक है, शरीर में कोई कमजोरी नहीं है, यहाँ तक कि आँखें भी बिल्कुल ठीक है, 6/6, तो परेशानी कहाँ है? हो सकता है कि इस बारे में आपको जानकारी ना हो, इसलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि परेशानी कहाँ हो सकती है। वैसे जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो ये ना समझे कि मुझे चक्कर आने का कारण वही है जो इस वीडियो में बताया गया है। देखिए, आपके अपने कारण हो सकते हैं जिनका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको केवल एक ऐसा कारण बता रहा हूँ जिसे नॉर्मली ओवरलुक किया जाता है, और वो कारण है आँखों का फोकल पॉइंट बदलना। यस, यू मे हैव चेंज द फोकल पॉइंट ऑफ योर ओन आइज डेलिब्रेटली और आई मस्ट से अननोइंगली, यानी कि आपने खुद ही अपनी आँखों का फोकल पॉइंट बदल लिया है बाय यूजिंग मोबाइल फ़ोन एक्सेसिवली। या सरल शब्दों में कहूँ तो आपने स्क्रीन, TV और खासकर मोबाइल स्क्रीन को देख देख कर अपनी आँखों का फोकल पॉइंट बदल लिया है, और अब आप इडियोपैथिक वर्टिगो का शिकार बन चुके हैं, यानी कि ऐसा वर्टिगो जिसका कारण किसी को पता नहीं होता है। देखिए, अब मैं इसका कारण और उपचार दोनों ही बताता हूँ। तो ह्यूमन स्पीशीज 50% फार साइटेड और 50% नियर साइटेड या शॉर्ट साइटेड रही है। मानव विकास में उसकी आँखों का ही सबसे बड़ा योगदान है। आप खुद सोचिए, जब लाखों साल पहले हमारा विकास हो रहा था, तब क्या हमारे पास कोई ऐसी चीज़ थी जो 4, 5 या फिर 10 घंटों तक भी हमारी आंखों का फोकस केवल अपने से 8 या 12 इंच दूर रखे? अगर इंसान ऐसा करता तो ना तो वो अपने चारों ओर मंडराते खतरों को देख पाता और ना ही जिंदा रह पाता। उस समय का इंसान जितनी देर पास देखता था उससे कहीं ज़्यादा देर तक अपने चारों तरफ और दूर दूर तक देखता था, ताकि कोई शिकार मिल जाए या कोई उसे शिकार बनाने आ रहा हो तो अपनी सुरक्षा कर सके। इस कंडीशन में, यानी कि पास की चीज़ें और दूर की चीज़ों को एक बराबर समय तक देखने पर, उसका फोकल पॉइंट एडजस्ट रहता था और ऐसी कोई समस्या नहीं आती थी जिसका सामना छोटे बच्चों तक को करना पड़ रहा है। तो यह हुआ इडियोपैथिक वर्टिगो, यानी चक्कर आने का एक ऐसा कारण जो कि ज़्यादातर मामलों में ओवरलुक कर दिया जाता है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ जिसे आप चाहकर भी डिनाई नहीं कर सकते। आपने कभी हिप्नोसिस शो देखा हो, स्ट्रीट या स्टेज हिप्नोसिस, कोई भी। उसमें हिप्नोटिस्ट यानी कि सम्मोहन करने वाला ऑब्जेक्ट को कुर्सी पर बैठाकर एक ब्राइट ऑब्जेक्ट को उसकी आंखों के सामने उतनी ही दूर रखता है जितनी दूर आज आप अपना मोबाइल फ़ोन पकड़ते हैं। इसके बाद कुछ ही देर में उस व्यक्ति की आंखें भारी होने लगती हैं और शरीर पूरी तरह से ढीला पड़ जाता है। इसके बाद व्यक्ति हिप्नोटाइज हो जाता है। ऐसा करने में हिप्नोटिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट लग सकते हैं, लेकिन आप उस ब्राइट ऑब्जेक्ट से लगभग 50 गुना ज़्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट को अपनी आँखों से उतनी ही दूर रख रहे हैं, वो भी 5-5 घंटों तक। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी आंखें भारी नहीं होंगी, बॉडी लूज नहीं होगी और आप हिप्नोटाइज नहीं होंगे? आर यू हिप्नोटाइजिंग योर सेल्फ डेलिब्रेटली? क्या कभी आपने इस पर ध्यान दिया है? और नहीं दिया है तो आज दीजिए, क्योंकि आज से केवल 15 या 20 साल पहले, जब लोगों के पास मोबाइल फ़ोन इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं थे, तब ये समस्या बहुत कम थी। तब लोगों के पास ना तो इतना साधन था और ना ही समय जो स्क्रीन को स्क्रोल अप और स्क्रोल डाउन करते हुए अपनी आंखों को भी 5-5, 6-6 घंटे तक लगातार रोल अप और रोल डाउन कर सके। तो यही वो चीज़ थी जिसे मैं आपको समझाना चाह रहा था,
कि हमने अपनी आंखों का फोकल पॉइंट खुद ही बदल लिया है और अब चक्कर आने की शिकायत करते हैं। सो आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ चुके हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? अब ये सवाल भी आपके मन में उठ रहा होगा, तो मैं इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री, क्योंकि ये सॉल्यूशन आपको डॉक्टर 1 या 2 हज़ार फीस लेने के बाद ही बताएगा। तो सॉल्यूशन ये है कि मोबाइल और स्क्रीन टाइम कम से कम कीजिए और दूर तक देखिए। दूर पहाड़ों को देखिए, पेड़ों को देखिए, खेतों को देखिए, नेचर को देखिए, और यदि आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो अपनी बालकनी में बैठकर होराइजन को ही देखिए, चांद को देखिए या दूर किसी बिल्डिंग को ही देखिए। कहने का मतलब ये है कि पास देख देख कर जो आपने अपनी आंखों का फोकल पॉइंट बदल लिया है उसे दूर की चीज़ों को देखकर रीएडजस्ट किया जा सकता है, और जब एडजस्टमेंट हो जाएगा तब आप ये पाएंगे कि चक्कर आने की समस्या काफ़ी हद तक कम या पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तो इसी इन्फॉर्मेशन और एडवाइस के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जो जानकारी आपको 1000 रुपये खर्च करने के बाद मिलने वाली थी वो मैंने आपको फ्री में ही दे दी है, इसलिए आप चाहें तो सब्सक्राइब और शेयर वाले बटन्स दबा सकते हैं ताकि सही लोगों तक सही जानकारी पहुँच सके।